मैं अनुश्री भारद्वाज रागिला न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। सीएम धामी ने किया रानीबाग पुल का लोकार्पण। खटीमा में मनाया गया शहीद दिवस। बाजपुर और जसपुर में किसानों ने सीएम को भेजा ज्ञापन। 29 शहरों में 30 सितम्बर को होगी यू टेट की परीक्षा। अल्मोड़ा में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलनकारियों का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर कोतवाली में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी द्वारा अली खां में हुए डबल मर्डर का खुलासा किया गया। जानकारी देते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी द्वारा बताया गया कि अभियुक्त का किसी रिकॉर्ड में नाम नहीं था। साथ ही लड़की का अफेयर उस अभियुक्त से पिछले 13 साल से चल रहा था और लड़की की मां को वह लाखों रुपए भेजता था। आज सुबह लड़की का झगड़ा अभियुक्त सलमान से हुआ और उसने चाकू से पहले लड़की को मारा और फिर घर में घुसकर उसकी मां को भी मार दिया। है काशीपुर शहर में आज दिन में एक थोड़ा सा सनसनी एक सूचना मिली जहाँ पे दो डेड बॉडीज़ है और दोनों जो है ब्रूटल मर्डर के टाइप एक सूचना है करके। तो जैसे ही सूचना मिला हमारा पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची। मोहल्ला अल्ले खान में हमें दो डेड बॉडीज़ मिले। एक 22 to 23 ईयर्स ओल्ड एक शीबा करके लड़की थी, तो उसका बॉडी गली में मिला और उससे थोड़ा सा आगे जाके उन्हीं के घर में उसकी मम्मी का बॉडी शबाना 45 ईयर्स अराउंड उनकी बॉडी मिली। इसी दौरान हमको थाने में ही मोहम्मद सलमान आता है। मोहम्मद सलमान जो है आके वो कबूलता है कि मेरे द्वारा ये किया गया करके। तुरंत पुलिस जो है हमारी टीम ने एक्सपर्ट टीम ने अच्छे से पूछताछ करी। सीनियर ऑफिसर सभी आ गए, हमारा सीओ काशीपुर, एसपी सिटी काशीपुर, इंस्पेक्टर, एसएसआई सब के सब आ गए। हम तो विस्तृत पूछताछ में ये पाया जाता है कुल मिला के कि इन दोनों का 12-13 साल से अफेयर चल रहा था, अच्छा संबंध भी चल रहा था। बीच में एक दो बार शादी की जो प्रपोजल्स गई थी लड़के की तरफ से, सलमान की तरफ से, एक बार तो मना हो गया था, बाद में सऊदी में जॉब लगने के बाद हाँ हो गया था, तो फिर अगेन रिसेंटली मना हो गया था। कुल मिला के इस प्रकार आनातानी चल ही रहा था, मतलब ऑफ एंड डाउन चल रहा था। लेकिन लड़का लड़की अच्छे संबंध में थे आपस में और इतना लड़का ज़्यादा प्यार करता था कि उसने सऊदी में प्लम्बिंग से जो भी पैसा कमाया था 3-4 लाख रुपये उसने मम्मी को भी ट्रांसफ़र किया है। हाल ही में ही 2-3 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए बोलता है अभी तक बोल रहा है वो मम्मी के, लड़की के मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। लेकिन लड़की के घर वाले हाल ही में फिर से 2-3 महीने पहले फिर से उन्होंने ठुकरा दिया था, तो वो हमेशा कुन्नस रहता था। तो बार बार इसको बोला जाता था कि भाई तुम्हारा वजह से हमारा मुरादाबाद का जो रिश्ता है ख़राब हो गया लड़की का करके। तो आ गया ये 4 अगस्त को आ जाता है मोहम्मद सलमान, 4 अगस्त को सऊदी से यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद 2-3 बार फिर लड़ाई होती है घर वालों से। तो इस बार वो ये नोटिस करता है कि इसको ये लगता है कि मम्मी तो पैसा ले गई, लेकिन जो शीबा है, शीबा का फ़ोन हमेशा जब सऊदी में भी था हाल ही में पिछले 4-5 महीने से इसका फ़ोन बिजी आ रहा था, तो इसको शीबा के ऊपर डाउट हो गए। फिर वापस आके देखता है तो शीबा भी ठुकरा रही थी इसको। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आज हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीबाग स्थित सामरिक पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा, लालकुआ विधायक मोहन बिश, कैलाश गैतोड़ी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने 2 लेन पुल के शुरू होने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को आसानी होगी। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर हल्द्वानी थाने पहुंचाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जोरदार तालियों से इन महंगाई से निपटने की हम मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की हम मांग कर रहे हैं, टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने की हम मांग कर रहे हैं, ISPT के निर्माण की हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, पुलिस को सहारा लेकर मुख्यमंत्री लगातार जनता की आवाज़ को बदलने का काम कर रहे हैं, जिसका यूथ कांग्रेस घोर विरोध कर रहा है। आज काफी खुशी हो रही कि आज रानीबाग पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और साथ ही माननीय सांसद जी द्वारा
क्योंकि पुल बनने में थोड़ा टाइम भी लगा और बरसात की वजह से भी काफ़ी असावधानियाँ का सामना करना पड़ा। और ये पुल जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को, हमारे व्यापारियों को जोड़ता है, क्योंकि सारे पहाड़ के जितने भी किसान होते हैं उनका सारा व्यापार हल्द्वानी से जुड़ा है, नीचे प्लेन्स से जुड़ा है, जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें अपना नुकसान झेलना पड़ रहा था। और ये पुल जो है उधर चंपावत को भी जोड़ता है और नेपाल को भी जोड़ता है, तो इस पुल से आज जो उद्घाटन हो रहा है इससे काफ़ी लोगों को, पूरे नैनीताल जिले वासियों को काफ़ी सहायता मिलेगी। देखिए, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी है और हल्द्वानी से कुमाऊं के जितने भी पर्वतीय जनपद हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, इनको कनेक्ट करने वाला पुल यहाँ की लाइफलाइन है। और जिस तरीके से माननीय धामी जी ने एक वर्ष से लगातार उनके सुपरविजन में काम चल रहा था और तेजी से अपना जो इसका नियत जो अवधि रखी गई थी उसमें कार्य पूर्ण हुआ है और आज स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, जनता के साथ ही पूरे कुमाऊं के लोग उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं और आगे भी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार में विकास के कार्य इसी तरीके से द्रुत गति से आगे को बढ़ते रहेंगे। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद हुए शहीदों की याद में 28वां शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। नरेश संजीव स्वर्गीय गोपीचंद जी के सुपुत्र नरेश। शहीदों की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में, जगह जगह होता रहा है और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब कुछ कर रही है, उनकी चिंता हम सबको है। प्रदेश भर के जितने भी आंदोलनकारी और इन शहीदों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग यहाँ जुटे हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इस स्थल को बनाने में अपनी घोषणा के अनुरूप शहीद स्थल, उन शहीदों को भी एक स्थायी स्थान और सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ ही प्रदेश सरकार का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। भाजपा में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। इस दौरान किसानों ने जन मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बहुत समय से जो किसानों की मूलभूत मांगे जो लटकी हुई हैं, जिसमें भी हम सबसे पहले चाहते हैं कि जो धान की हमारी तोल है वो MSP रेट पे हो, उसके बाद जो महंगाई दर को देखते हुए किसानों की हालात खस्ता हो गई है, इसको देखते गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति क्विंटल और जो हमारी शुगर मिल है वो नवंबर के पहले सप्ताह में चालू हो, उसके बाद किसान जो जंगली जानवर उससे तंग है, जो फसलों की बर्बादी करता है, उनके लिए तार वाड़ की सुविधा सरकार उनको कराए और पहाड़ों में जो किसान है उनकी चकबंदी हो और जो किसान अपनी फल और सब्जी मंडियों में लेके जाता है उनकी एक पूरी सुविधा हो और ताकि उन पे जो आ रहे खर्चे से किसान बचे और बिजली के जो मीटर हैं जो अन्याय अनवांटेड जो रीडिंग दे रही है बिजली वो जो रीडिंग कम हो और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं हम उसका सरासर विरोध करते हैं और ना वो लगने दिए जाएंगे ना वो लगेंगे। ये मांग हमारा मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन जाएगा भी, ये किसानों की मूलभूत मांगे हैं, ये हमारा एक जनतक और एक पहले सूचक तौर पे हम ज्ञापन दे रहे हैं भी, आने वाले समय में अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती ये एक बड़ा धरना प्रदर्शन के रूप में बदल दिया जाएगा। प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए UTET की परीक्षा 30 सितंबर को होने वाली है। इसमें UTET फर्स्ट और सेकंड में कुल 60,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 29 शहरों में 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संवाददाता कैलाश व्याल की रिपोर्ट। UTET की परीक्षा हमारी 30 सितंबर 2022 को 2 पालियों में संपन्न होगी और इसमें TT1 में हमारे पास में
29,545 और सेकंड में 30,755 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इसके लिए हमने 29 परीक्षा शहर बनाए हैं जिनमें टीटी की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा 30 तारीख को 30 सितंबर को दो पालियों में संपन्न। परीक्षा संबंधी सारी तैयारियां हमारी बिल्कुल अंतिम चरण में परीक्षा संबंधी कार्य चल रहा है और जल्दी ही सारी तैयारियां सुनिश्चित कर देंगे। रुद्रपुर के आजाद नगर में कबाड़ की दुकान में गैस सिलेंडर से क्लोरीन गैस रिसाव के बाद प्रभावित लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। साथ ही कबाड़ की दुकान संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन द्वारा एसएसपी के निर्देश पर कबाड़ खानों में छापेमारी की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। गैस लीक हुआ था, उसके बाद जो है पूरे जनपद में, पूरे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में एक व्यापक स्तर का रेड और चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हम चेकिंग अभियान में दो बिंदु देख रहे हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है और कबाड़ खाना चला रहे हैं उन सबको तत्काल सीज करा रहे हैं, और लाइसेंस हो या ना हो जिनके पास किसी भी प्रकार का सिलेंडर मिलता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और कई कई जगहों पर मुकदमा भी लिखा जा रहा है। समिति परिसर में आज किसानों की एक बैठक हुई, जिसमें किसानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री धामी के नाम उपजिलाधिकारी जसपुर को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज जो है पूरे हमारे प्रदेश में 8 जिलों में हो रहा है ये हम 11 सूत्री मांग का एजेंडा हमारा है, प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री को जाएगा ज्ञापन, वो सभी तहसीलों से और जिलों से जा रहा है आज। इसमें MSP भी गारंटी करूँ, ये तो देश का, प्रदेश का और देश का मैटर है, और हमारे जो गन्ने का रेट कम है उसका 500 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। जंगली जानवरों का प्रकोप है तो उसमें चीते जो अन्य जानवर फसलों को नष्ट करते हैं और आवारा पशुओं का, ये मैटर है हमारा 11 बिंदुओं का मैटर है, क्योंकि बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं। हमने ट्यूबवेलों की, ये ऊर्जा प्रदेश है तो ट्यूबवेलों की जो बिजली का है किसानों की वो फ्री होनी चाहिए, और जो घरेलू मीटर लगे हैं उन पर 50 पैसे प्रति यूनिट जो है वो होना चाहिए, तो क्योंकि महंगाई का दौर है, बिल दे नहीं पा रहे, किसान की कमर टूटी हुई है और पूरा 2-5 फसलें किसानों की मर गई हैं पिछले 2 साल से। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन के बैनर तले आज चौखान पाटा में सरकार से नाराज राज्य आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांग पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए और इस शहीदी दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों की भावना को समझना चाहिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में आज जिलाधिकारी वंदा सिंह ने नवीन कलेक्ट्रेट में पर्यटन विभाग के माध्यम से किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली और स्याही देवी मंदिर क्षेत्र में पर्यटकों के लिए विश्राम गृह में सुधारीकरण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था आगामी 5 सितंबर तक आगणन बनाकर 15 सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया शुरू करना सुनिश्चित करे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।